गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुगमा और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो लेके आई हूँ और ये वीडियो की रिक्वेस्ट मुझे एक साल से आ रही है और अब जाके मैं इसे प्रिपेयर कर पाई हूँ बहुत सारे टॉपिक्स के बाद। तो जी हाँ, आज मैं आपसे अपना जो डाइट प्लान है वो शेयर करूँगी कि मैं पर्सनली कौन सा डाइट प्लान लेती हूँ जिससे कि मेरा वेट बहुत तेज़ी से लूज़ होता है, वेट स्टे करता है। ऐसा नहीं है कि जस्ट अभी लूज़ कर लिया और बढ़ गया। और बहुत सारी हेल्दी हेल्दी रेसिपीज़ भी हैं, ढेर सारा फाइबर है, ढेर सारा प्रोटीन है और ऐसा कुछ भी फैंसी उसमें नहीं है कि आपको मार्केट से लेके आना है बहुत सारी चीज़ें या कुछ। जो चीज़ घर में है उन्हीं में से मैं चीज़ें आपको बताऊँगी। कोशिश करूँगी हर वीक मैं आपसे ये डाइट प्लान शेयर करूँ बिकॉज हर चीज़ एक साथ लेना जाना तो पॉसिबल नहीं है। वैरायटी मैं दूंगी आपको इसमें, लेकिन फिर भी जो मेरा चेंज होता रहता है वो भी मैं आपके साथ अपडेट करती रहूँगी। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर डाइट प्लान की बात करूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे बेस करता है पूरे दिन का आपके मेटाबॉलिक रेट का सब कुछ, तो उसके लिए आपका जो सुबह वाला जो मॉर्निंग ड्रिंक होता है जो उठते ही उठते आप लेते हैं, तो आपको वो जो है वो लेना है। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जीरे वाला पानी, नींबू पानी विथ दालचीनी पाउडर, एक तो ये हो गया जीरा पानी हो गया, एक आपका हो गया नींबू प्लस दालचीनी पाउडर, ये आप ले सकते हैं। अगर मैं चॉइसेस की बात करूँ तो आप ले सकते हैं जो मैंने अभी आपको पाउडर बताया था, त्रिफला चूर्ण, त्रिफला चूर्ण 2 चम्मच, तो आप ये ले सकते हैं। ठीक है, इसके 15 मिनट बाद जो मैं पर्सनली ले लेती हूँ चाय दूध वाली, लेकिन नो शुगर। देखिए, मैं हिंदी में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे जो अधिकतर सब्सक्राइबर हैं, बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जो गांव से बिलोंग करते हैं और उन्हें इंग्लिश नहीं समझ में आती, इसलिए मैं ये जो लिख रही हूँ ये हिंदी में लिख रही हूँ। इन केस आपको कोई चीज़ ना समझ में आए तो वीडियो में आप बोल दीजिएगा और मैं आपको उसे इंग्लिश में बता दूंगी। अब मैं बात करती हूँ आपके ब्रेकफास्ट की, सुबह के नाश्ते की। तो इसके लिए फर्स्ट ऑप्शन आप ले सकते हैं दलिया ले सकते हैं, बट नो शुगर याद रखिएगा, शुगर आपको नहीं लेनी है। और हाँ, बर्ले जौ की दलिया आप ले सकते हैं, आप पोहा ले सकते हैं बहुत सारी वेजीज डाल के, उसके बाद आप इडली ले सकते हैं। ठीक है, आप मूली की रोटी ले सकते हैं, मेथी रोटी ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको दो दो लेनी है। इडली आप 4 to 8 ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और इसके बाद आप ओट्स ले सकते हैं, अगर आपका ना मन हो तो आप ओट्स विद दूध ले सकते हैं। लेकिन शुगर नहीं होगी। ठीक है, अब इसके 10 मिनट बाद, नाश्ते के 10 मिनट बाद आपको लेनी है ग्रीन कॉफी। आपको ग्रीन कॉफी और ग्रीन टी, दोनों में से कोई एक चीज आपको 10 मिनट बाद लेनी है। उसके बाद ये मॉर्निंग का आपका शेड्यूल पूरा हो गया। उसके बाद अब जब आप, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, आप इसके आधे या एक घंटे बाद कोई भी वाटर या फिर कुछ भी फूड्स लेना चाहेंगे, तो मैं पर्सनली क्या करती हूँ इसके 45 मिनट बाद गरम पानी लेती हूँ
एक लेमन, एक नींबू, और उसके बाद मैं लेती हूँ चिया, चिया सीड्स वन स्पून, थोड़ी देर भिगो के रख देती हूँ और ये ले लेती हूँ। ठीक है, इसको लेने के बाद आप कोई भी एक फल लीजिए, ठीक है, फल लीजिए। देन उसके बाद लंच के 15 या आधे घंटे पहले, दोपहर के खाने के आधे घंटे पहले आपको क्या लेना है, फिर गर्म पानी लेना है। गर्म पानी में आपको ग्रीन टी, नींबू एंड अदरक सारी चीजें मिला लेनी है, उसको थोड़ी देर रखना है, देन पी लेना है। ये जो है ये आपका क्या है, ये मेटाबॉलिक बूस्टर है, यानी कि आप जो भी आपने सुबह से खाया है उसे एनर्जी में कन्वर्ट करेगा और जो आप खाने वाले हो उसे एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो ये सारी चीजें हैं। अगर मैं लंच की बात करूं, दोपहर के खाने की बात, तो आप अरहर दाल ले सकते हैं, पालक दाल ले सकते हैं, पालक मूंग दाल ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं फाइबर वाली बता रही हूँ ताकि आपका जो स्टोमक स्टक होने में काफ़ी हेल्प करेगा, ये चीज़ ले सकते हैं। अगर बहुत मन करे तो आप दो रोटी ले सकते हैं, दो रोटी के साथ ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन कोशिश करिए कि ये सारी चीज़ें आप प्रिफर करें। मैं अभी आपको सिर्फ ये ऑप्शन दे रही हूँ, आप इसे 1 वीक फॉलो कर सकते हैं, 2, क्योंकि मैं बीच बीच में अब डाइट प्लान्स का सोच रही हूँ कि मैं आपके साथ शेयर करती चलूंगी। और इसमें मैंने जो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में है एक चीज़ और नहीं की है, आप बेसन के चिल्ला ले सकते हैं विथ 1 स्पून घी। देखिए, हमें अपनी डेली लाइफ में 2 से 2.5 स्पून घी ऐड, घी ऑयल मतलब बॉडी को देना ही देना है, क्योंकि नरिशमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी बॉडी को देना। तो ये चीज़ आपको करनी है, ये चीज़ आपकी होगी। इसमें मैं चेंज करती रहूँगी, ये इसके 10 मिनट बाद आपको क्या करना है, ग्रीन कॉफ़ी, ठीक है, ग्रीन कॉफ़ी या ग्रीन टी। उसके बाद बारी आती है इवनिंग टी की, इवनिंग इसमें आप बादाम, अखरोट या फिर मखाना विद मिल्क टी, बट नो शुगर, मतलब चीनी के साथ आपको इसे नहीं लेना है। ये आप 4 ले सकते हैं, ये आपको पूरा 1 लेना है, और ये आपको 1 प्लेट भर के ले सकते हैं। थायराइड पेशेंट अखरोट लेना जरूर प्रेफर करेंगे, 1 मॉर्निंग और 1 इवनिंग, ये आपको लेना जरूर है। पानी आपको ध्यान से ध्यान 8 ग्लास पानी, और अगर मैं लीटर्स में बात करूं तो 3 लीटर आपको पानी पीना ही पीना है। अगर ज़्यादा पी सकते हैं, गर्मी है, तो 4 to 5 लीटर भी आप इसे ले सकते हैं। अब बात आती है आपके रात के खाने की, सेवन थर्टी आपको ये फिनिश कर ही लेना है। इसमें आप ओट्स ले सकते हैं, नमकीन, लौकी का रायता ले सकते हैं, ठीक है। कुछ नहीं खाने का मन है तो आप पपीता ले लीजिए। एक चीज आपको दोपहर के खाने में दही ऐड करना ही करना है, 100 ग्राम दही, लो फैट मिल्क का ऐड करना ही करना है। साथ ही साथ आपको रात में ओट्स नमकीन वाले ले सकते हैं, लौकी का रायता ले सकते हैं, पपीता ले सकते हैं, ठीक है। ये मैंने एक वेजिटेरियन डाइट प्लान बताया है, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं आपको यही प्रिपेयर कर सकती हूँ। नॉन वेजिटेरियन भी मैं जो है वो बनाऊँगी और आप लोगों के साथ प्रिपेयर करूँगी, क्योंकि जो मेरे नॉन वेजिटेरियन फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी मुझे जो है उनको भी बताना है। तो इसमें
बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऐड करनी है मुझे, लेकिन ये मेरा डाइट प्लान है जिसके साथ मैंने काफ़ी बहुत अच्छा वेट लॉस किया। अब मैं बात करती हूँ अपने नाइट ड्रिंक की, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है आपके वेट लॉस जर्नी में ये। तो रात के उसमें आपको अगेन ग्रीन टी प्लस लेमन प्लस अदरक, और ग्रीन टी आपको क्या करनी है, जो खुली वाली होती है, यानी कि जो शैशड होते हैं ना वो वाली नहीं लेनी है आपको, लूज़ वाली ग्रीन टी लेनी है, पत्ती वाली, उसको बॉयल करना है, देन उसके बाद एक लेमन डालना है, अदरक का रस डालना है 1 स्पून, और ये आपको लेना है। दैट्स फिनिश, ये ट्राई करिए। इसके साथ आपको यहाँ पे 3-4 कुकुम्बर लेना है, यानी कि खीरा ऐड करना ही करना है, लॉट्स ऑफ फाइबर। साथ ही साथ मॉर्निंग का जो आपको है इसके साथ भी 2 खीरा ऐड करना ही करना है, यानी कि हमें जो डेली बेसिस पे अपना फाइबर इनटेक है वो बढ़ाना ही बढ़ाना है, तभी आपके पेट के आसपास का फैट जाएगा। और ये जो मेटा बूस्टर मैंने ड्रिंक बताया है ये भी आपको लेना है, मतलब ये सारी चीज़ें अगर इस तरह से जैसे मैंने बतानी है अगर आप फॉलो करेंगे तो मान के चलिए 1 वीक में, यानी कि 1 वीक में 4-5 kg आप लूज़ करेंगे ही करेंगे हर हाल में। जब मुझे भी कहीं कुछ करना होता है तो मैं इस तरह से इस डाइट प्लान को, वैसे तो मेरा मतलब डेली बेसिस का ये है कि मैं कार्ब्स का इंटेक कम रखती हूँ, फाइबर का इंटेक ज़्यादा रखती हूँ, पानी ज़्यादा लेती हूँ, तो इस तरह से आप लीजिए। और कोई भी और जानकारी है जो आप यहाँ पे नहीं समझ में आई है तो आप हम मुझसे और मेरा वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखा, डाइट प्लान बहुत ही इजी है, आप फॉलो करिए और देखिए कि इसका रिजल्ट कितना ऑसम आता है, यानी कि 1 वीक में अगर आपने इसे फॉलो किया विद एक्सरसाइज तो 4 kg कहीं नहीं गया है, आराम से कट डाउन हो सकता है। मुझे भी जब कहीं जाना होता है और मेरा वेट मान लीजिए बढ़ा हुआ है और मुझे कहीं जाना होता है तो इसको मैं स्ट्रिक्टली फॉलो करती हूँ, बिल्कुल भी चीट मील नहीं लेती हूँ, साथ ही साथ एक्सरसाइज करती हूँ। और वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।